मित्रों, यदि हाथ में भाग्य रेखा लंबी और पतली है और हृदय रेखा और भाग्य रेखा को कोई दूसरी रेखा आपस में जोड़ रही है और उस रेखा के कारण हृदय रेखा और भाग्य रेखा के बीच में त्रिकोण जैसा चिन्ह बन रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे लोग बहुत नपातुला जीवन जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं फिर काम करते हैं। यदि कोई जॉब ये लोग कर रहे हैं और इनको कोई दूसरी जॉब का ऑफर भी मिल जाता है तो ये लोग दूसरी जॉब को 100 बार पूछ लेंगे कि वो जॉब है, तब जाकर के ये पहले वाली जॉब छोड़ेंगे। यानी कि अगला पैर जब पूरी तरह से जम जाता है तब ये लोग पिछला पैर उठाते हैं, नहीं तो नहीं उठाते हैं। ये लोग बहुत नपातुला जीवन जीते हैं और पैसे की प्लानिंग इनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता है। पैसे सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क नहीं लेते। ये लोग ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से निश्चित रिटर्न मिलना ही हो। ये लोग रिस्क वाला काम करते ही नहीं है, बहुत नपातुला जीवन जीते हैं। और किसी भी व्यक्ति से यदि इनको लगता है कि इस व्यक्ति से हमें नुकसान हो सकता है तो बिना किसी लाग लपेट के तुरंत उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। नुकसान वाला काम ये लोग करते ही नहीं, फायदे का काम करते हैं और बहुत नपातुला जीवन जीते हैं। थोड़ा डरते भी हैं इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं। इन लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। हालांकि इन लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होते हैं। कई बार तो ये लोग थोड़े ज़्यादा भावुक स्वभाव के होते हैं और किसी भी बात पर जल्दी से नाराज हो जाते हैं। इस कारण से इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा डगमग होता है, थोड़ा मतभेदपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी विवाह के बाद इनका भाग्योदय होता है और इनका वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक चलता है। बहुत अच्छा तो नहीं चलता लेकिन ठीक ठाक चलता है, क्योंकि ये लोग थोड़े से भावुक स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात पर जल्दी से खुश हो जाते हैं और किसी भी बात पर जल्दी से नाराज भी हो जाते हैं। इसी कारण से इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इन लोगों का जीवन सफल होता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। ये लोग बहुत नपातुला जीवन जीते हैं, कोई भी फालतू का काम नहीं करते, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम हो या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो लेकिन रिस्क भी हो, तो ऐसा काम ये लोग नहीं करते हैं। इन लोगों का जीवन साथी भी थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और इनका जीवन साथी गुस्से में कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो बातें जीवन भर याद रह जाती हैं। इनके जीवन साथी की यही एक गलती होती है। वैसे इनका जीवन साथी इनसे प्रेम करता है लेकिन गुस्से में कई बार ऐसी कुछ बातें बोल देता है जो बातें जीवन भर याद रह जाती हैं। कई बार तो इनका जीवन साथी कोर्ट कचहरी वगैरह की धमकी भी दे देता है, जबकि उसका इरादा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कोर्ट कचहरी की धमकी इनका जीवन साथी दे देता है। ये लोग कभी ऐसा नहीं करते, ये लोग गुस्सा करते हैं और गुस्से में कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं ये लोग, लेकिन इस तरह की दूसरी बातें नहीं बोलते जो बातें जीवन भर याद रह जाएं।